हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ देवाशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइम सीरीज़ एनालिसिस। टाइम सीरीज़ एनालिसिस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, और ये टॉपिक इस ग्रेजुएशन के कई सारे कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। इन जनरल जिनके पास स्टैटिस्टिक्स है, BSc करना है स्टैटिस्टिक्स में, है ना, तो उनको तो पढ़ाया ही जाता है, वो तो बहुत कॉमन है ही। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो BTech करते हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह से, उनको भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी टाइम सीरीज़ एनालिसिस को इम्पॉर्टेंट रूप में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। चलिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस का जो थियोरटिकल बैकग्राउंड है, जो इंट्रोडक्शन है, वो बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जब ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग टाइम पर कैलकुलेट किया जाए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में डेटा को जब आप कलेक्ट करते हो तो आप कई बार बिना टाइम के कलेक्ट करते हो, कई बार डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम क्रोनोलॉजिकली कलेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको वीट की यील्ड कैलकुलेट करनी है, वीट की यील्ड कलेक्ट करनी है कि अलग अलग खेतों में कितने गेहूं की पैदावार हुई, वो आपको आपने उसको लिख के रख लिया। तो अगर आपने एक ही साल का अलग अलग जगहों का आपने यील्ड कैलकुलेट करके कलेक्ट करके रख लिया है, तो वो फिर टाइम सीरीज़ नहीं है। बट आपने अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम का, आपने देखा सन 2000 में कितनी पैदावार हुई, 2001 में यील्ड कितनी थी, 2002 में कितनी थी, और आपने टाइम के हिसाब से उसको मेंशन करके रख लिया, तो दैट सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज टाइम सीरीज़। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल, एक ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास T1, T2, T3 up to TN इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम है। तो T1 पे जो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया गया उसको UT1, T2 पे UT2, TN पे UTN, इस तरीके से दिस सेट ऑफ डेटा इज़ नोन एज टाइम सीरीज़। ओके, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को टाइम सीरीज़ कहेंगे, और ये जो UT है ये होगा आपका टाइम सीरीज़ वेरिएबल। कभी किसी किसी बुक में ये YT या Y इस तरीके से भी होता है। ठीक है, एक ईजी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आइसक्रीम के प्राइसेस का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ईयर 2000 में किसी आइसक्रीम का प्राइस मान लीजिए 1 रुपीज़ था, 2002 में 2 रुपीज़ हो गया, 2004 में 5 रुपीज़ हो गया, 2006 में 7.5 रुपीज़ हो गया, 2008 में मान लीजिए 10 रुपीज़ हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इन जनरल भी क्या है, प्राइसेस किसी भी चीज़ के प्राइसेस इन जनरल पहले से अब बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस आपने, ये आप केवल प्राइसेस लिख देते, टाइम नहीं बताते, तो ये फिर टाइम सीरीज़ नहीं होता। आपने टाइम के अकॉर्डिंग प्राइसेस लिखे हैं, तो दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज टाइम सीरीज़। ठीक है, अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल ही है कुछ। ठीक है ना, कुछ हम डिटेल डिस्कस्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि रेनफॉल है, डिफरेंट ईयर्स में रेनफॉल है ना, अलग अलग साल में कितनी बारिश हुई, तो उसमें इंचेस में उसको मेजर करते हैं कि 20 इंचेस हुई आज या एक महीने बाद इतने इंचेस हुई, नेक्स्ट ईयर में इतने इंचेस हुई, है ना। या पॉपुलेशन को भी हर 10 साल में कैलकुलेट किया जाता है हमारे यहाँ सेंसस में। इन जनरल ईयरली पॉपुलेशन भी एस्टिमेट की जाती है अलग अलग जगह की, है ना। या फिर मंथली प्रोडक्शन है किसी चीज़ का, मंथली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना, बहुत सारे गुड्स हैं ऐसे, एग्स हैं, है ना, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जिनका मंथली प्रोडक्शन, तो मंथ वाइज। ठीक है, या फिर वीकली सर्कुलेशंस ऑफ नोट्स, बैंक में नोट्स का वीकली सर्कुलेशन, हर सप्ताह बैंक ने कितने नोट्स को सर्कुलेट किया मार्केट में, है ना, तो उस चीज़ का। तो हमने देखा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये मतलब प्राइसेस हैं, डेली सेल्स है किसी चीज़ की, या मंथली सेल है किसी चीज़ की, है ना। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम टाइम सीरीज़ डेटा है जिसको हम इन जनरल डील करते हैं बहुत। अब इसकी एप्लीकेशंस में अगर देखूँ मैं, तो तमाम तरह की फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एक ही बात है वैसे तो, है ना, इस तरह की टाइम सीरीज़ होती हैं जिनको हम रेगुलर वे में स्टडी करते हैं। इन जनरल देखिए, टाइम सीरीज़ को, इसको स्टडी करने का जो मेन पर्पज़ है, मेन पर्पज़ जो है वो है प्रेडिक्शन,
ये है मेन पर्पस। इसी आप ऊपर के एग्जांपल में देखिए, आप बता सकते हैं कि 2010 में या 2012 में इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी आइसक्रीम की प्राइस होगी। और अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाएं कि क्या पैटर्न है और आपके पास कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हों ऐसे, तो आप एग्जैक्ट भी बता सकते हैं कि 2010 में कितनी प्राइस होगी और रियल में उतनी ही प्राइस होगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, है ना। तो यू कैन एस्टीमेट ऑब्जर्वेशंस, यू कैन प्रिडिक्ट ऑब्जर्वेशंस इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस की मेन एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन। ओके, अलग अलग फील्ड्स में हमने इतने सारे फील्ड्स बताए, और भी बहुत सारे तमाम तरह के फील्ड्स हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे टाइम सीरीज़ को स्टडी करने में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ का। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ को स्टडी करने में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि वाई द ऑब्जर्वेशंस इन ए टाइम सीरीज़ डिफरेंट। किसी भी टाइम सीरीज़ में ऑब्जर्वेशंस अलग अलग क्यों होते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन में क्या है, एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है हमें। पिछले सालों में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, है ना। पिछले अगर हम 50 सालों में पॉपुलेशन देखें तो लगातार एक ग्रोथ दिखाई देगी आपको, ठीक है। पर क्या है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बढ़ ही रही है, बिना वेरिएशन के स्टेडी ग्रोथ है। पर और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मान लीजिए रेनफॉल डेटा की, तो रेनफॉल डेटा में डिक्रीज़ है, डिक्रीमेंट है, रेनफॉल बारिश अब पहले से कम हुई है, पर वेरिएशन है, कभी कभी ज़्यादा भी हो गई है बीच में। ओवरऑल देखोगे तो कम हुई है, पर कभी कभी ज़्यादा भी हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या फोर्सेस हैं जो टाइम सीरीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। द फोर्सेस और द फ्लक्चुएशंस या टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशंस दैट अफेक्ट्स द ऑब्जर्वेशंस इन ए टाइम सीरीज़ आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। समझ रहे हैं, उस चीज़ को हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ कहते हैं, और वो एंटायरली डिपेंड कहते हैं कि टाइम सीरीज़ आपने किस पीरियड में, यानी कि आप वीकली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, मंथली कलेक्ट किया जा रहा है, ईयरली कलेक्ट किया जा रहा है, और कितना कितना उनमें डिफरेंस है, कितने सालों का कलेक्ट किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट टाइम सीरीज़ में प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस में होंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ में दो तरह के टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स हैं। समझ में तो आ गई होगी ये बात, है ना, कि जो ऑब्जर्वेशंस में अंतर है टाइम सीरीज़ में, वो किन की वजह से आ रहा है, क्या रीजंस हैं, उनको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, उन फ्लक्चुएशंस को। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, फिर टोटल चार हैं ये। पहला है सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल, तीसरा है साइक्लिक, और चौथा है इरेगुलर। पर इसको अब ब्रॉडली समझना है तो देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस या लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस या शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। लॉन्ग टर्म वेरिएशंस वो जिनमें पीरियड जो है टाइम सीरीज़ का, वो 5 से या 10 साल से ज़्यादा है, मोर देन 10 ईयर है इन जनरल, ठीक है। उसमें आता है आपका सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड उसमें आता है। ट्रेंड आप समझिए, जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ आपको, गोल्ड प्राइसेस देखिए आप, पहले हम ट्रेंड को ही डिस्कस कर लेते हैं ना। गोल्ड प्राइसेस देखिए, तो अगर आप पिछले 20 सालों के गोल्ड प्राइसेस देखें, तो एक लॉन्ग रन में, एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में आपको गोल्ड प्राइसेस बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। शायद ही किसी ईयर में घट गया हो, किसी ईयर में कोई डिप्रेशन आ गया हो, कोई क्राइसिस आ गई हो, इकोनॉमिक कोई खास बात हो गई हो, उसके अलावा आप देखोगे तो इन लॉन्ग रन में आपको पॉपुलेशन, आपको गोल्ड प्राइसेस, चीज़ों के ये सब बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। तो ट्रेंड जो होती है ना, वो या तो आपकी अपवर्ड होती है या आपकी डाउनवर्ड होती है। और ट्रेंड को मेजर करना काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आप मेज़र कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर देनी है डेटा की, कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस बढ़े हैं या कम हुए हैं किसी चीज़ में, किसी भी सीरीज़ में, सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखा जाता है टाइम सीरीज़, जिस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखा जाता है जब, तो उसको लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ट्रेंड, लॉन्ग सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड एक क्या है, ट्रेंड एक तरीके की जनरल टेंडेंसी है डेटा की। जब पीरियड ऑफ ग्रोथ या पीरियड, मतलब या तो डिक्लाइन दिखता है ऑब्जर्वेशंस में या ग्रोथ दिखती है ऑब्जर्वेशंस में। तो जैसे कि डिक्लाइन के एग्जांपल में आप प्राइसेस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस नहीं ले सकते आप। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एग्जांपल लूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं,
वो पिछले 50 सालों में 30 सालों में वो कम ही हुआ है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज सुधरी हैं, कई सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक लॉन्ग रन में कम हुआ है। कभी कभी किसी ईयर में बच्चों की ज़्यादा डेथ हो गई हो वो किसी कारण की वजह से, वो अलग बात है, पर एक लॉन्ग रन में देखेंगे तो वो कम ही हुआ है। तो वो एक सेकुलर ट्रेंड का एग्जाम्पल है ना, उसमें जो फोर्स काम कर रहा है वो सेकुलर ट्रेंड है। ऐसे ही कभी कभी ऐसे ही आप गोल्ड प्राइसेस देखें या पॉपुलेशन देखें तो वो बढ़ी रही है लगातार, तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, सेकुलर ट्रेंड के। ठीक है, तो सेकुलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म वेरिएशन है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएशन की, जिसमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो पीरियड जो होता है टाइम पीरियड टाइम सीरीज का, वो 5 या 10 साल से कम होता है। तो ये दो होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में भी दो हैं, सीजनल और साइक्लिक। ठीक है ना, तो सीजनल वेरिएशन की अगर मैं बात करूँ तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर सीजनल वेरिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, वो वेरिएशन, वो फ्लक्चुएशन ऑब्जर्वेशंस में जो कि सीज़न की वजह से आए। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सीज़न मतलब केवल गर्मी सर्दी बरसात नहीं, सीज़न मैन मेड भी होते हैं, जैसे कि होली दिवाली जो त्यौहार वगैरह होते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ की सेल होली पे एकदम बढ़ जाती है, कपड़ों की सेल होली में दिवाली पे एकदम बढ़ जाती है ना। तो वैसे सेल्स जो रेगुलर सेल्स हैं वो चल रही होंगी, और दिवाली में एकदम, दिवाली में धनतेरस में दिवाली के टाइम पे उस वीक में एकदम बूम दिखाई देगा सेल्स में। तो इस तरह का, जिसका ध्यान रखिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 1 साल से कम हो या बराबर हो, यानी कि डेटा मंथली क्वार्टरली है ना ईयरली होगा, ईयरली से ज़्यादा नहीं होगा सीजनल वेरिएशन में। समझ रहे हैं, समझ गए ना बिल्कुल, कि जो मैन मेड या फिर नेचुरल सीजन्स हैं उनकी वजह से जो अंतर आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का बरसात में बिकना बढ़ जाता है, बरसात में किसी पर्टिकुलर चीज़ की सेल्स या किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन बरसात में ज़्यादा होता है, गर्मियों में, या गर्मियों में कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि कॉटन के कपड़े बनते हैं, है ना। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ऑब्जर्वेशंस के, वो सब किस में आते हैं, आपके सीजनल वेरिएशन में आते हैं। याद रखिए, जिसमें सीजनल वेरिएशन में जो पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है, यहाँ पे ये बहुत है, पीरियड ऑफ मूवमेंट जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, डेटा मंथली वीकली क्वार्टरली इस तरीके से होगा। ओके, और इसको आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो, सीजनल वेरिएशन को आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो, क्योंकि छोटे पीरियड में होता है तो आप इजीली मेज़र कर पाते हो। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं साइक्लिक वेरिएशन की। ये जितने भी रेगुलर वाले हैं ना, रेगुलर वाले हैं जो रिपीट कर रहे हैं खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर का मतलब है जो रिपीट कर रहे हैं खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म वेरिएशन जो है ये रिपीट नहीं करता, ये तो बस या तो बढ़ता ही चला जा रहा है या कम ही होता चला जा रहा है, ठीक है। जबकि रेगुलर क्या है, जो रिपीट कर रहा है। तो रेगुलर में भी जो 1 साल से कम टाइम में रिपीट कर रहा है खुद को, वो तो सीजनल वेरिएशन में मानेंगे, और जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड में खुद को रिपीट कर रहा है वो साइक्लिक वेरिएशन में मानेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आप बिजनेस साइकिल की बात कर सकते हो। अब जो लोग इकोनॉमिक्स के हैं ना, वो अच्छे से जानते होंगे कि जो बिज़नेस साइकिल होती है वो बेसिकली होती है रिसेशन आ जाना बिज़नेस में, या अचानक प्रॉस्पेरिटी आना बिज़नेस में। किसी कोई भी बिज़नेस करोगे तो ऐसा होता है कि एक 4-5 साल या 7 साल के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कई बार कि या तो अचानक बिज़नेस में मतलब अच्छा प्रॉस्पेरिटी होती है, अच्छा चलता है बिज़नेस, या रिसेशन होता है, घाटा हो जाता है बिज़नेस में। इस चीज़ को बिज़नेस साइकिल कहते हैं। इस तरह के वेरिएशन को साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। बढ़ना और फिर घटना, पर ध्यान रखिए टाइम जो है, पीरियड ऑफ मूवमेंट जो है वो मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज़्यादा है, 5 साल या 7 साल। ओके, अब हम बात करते हैं इरेगुलर वेरिएशंस की। इरेगुलर वेरिएशंस का मतलब हुआ है टाइम सीरीज में वो वेरिएशन, ऑब्जर्वेशंस में वो अंतर जिनकी पता नहीं है कि किस वजह से अचानक आ गए। जैसे मान लीजिए अच्छी खासी क्लॉथ्स की बिक्री हो रही थी, अब हम आजकल के एग्जांपल में लें तो अब अचानक 2 महीने से लॉकडाउन हो गया, सेल्स एकदम डाउन हो गई, तो अब यह किसी को पता थोड़ी नहीं थी। तो इरेगुलर वेरिएशंस वो होते हैं जो अचानक होते हैं, जो किसी वॉर हो जाने से, है ना, इस तरह की सिचुएशंस जो आ जाती हैं, या कोई किसी तरीके की फेमाइन आ गई, सूखा पड़ गया, बारिश आ गई, बरसात आ गई, या इस तरीके की कोई महामारी फैल गई, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, है ना, समझ रहे हैं। अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जो ऑब्जर्वेशंस में अंतर लाती हैं, जैसे जब लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो कंट्रीज़ के पास पैसे की बहुत कमी हो जाती है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों के रेट एकदम बढ़ जाते हैं, है ना, और पैसे की वैल्यू एकदम घट जाती है,
जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम बताया जाता है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता था कि एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए लाखों रुपए लेके जाते थे, तब एक ब्रेड का एक एक ब्रेड की रोट एक ब्रेड का पैकेट मिलता था, यानी कि पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई थी। तो वो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस थे मनी वैल्यू में, तो वो किस वजह से थे, वो ऐसी चीज़ें जिनको आप कह नहीं सकते, मतलब आप फिर आपको फिर टाइम सीरीज़ के पैटर्न में, जैसे यहाँ पे आइसक्रीम की प्राइस में अचानक किसी ईयर में 2007 में मान लीजिए अचानक आइसक्रीम की प्राइस 50 रुपये हो गई हो, ऐसा कुछ की हो गया हो, किसी ने कह दिया हो कि आइसक्रीम से कैंसर सही हो जाता है उस वाली आइसक्रीम से, तो अचानक खूब बिकने लग गई आइसक्रीम, तो उसकी प्राइस एकदम से 50 रुपीज़ हो गई। तो ये तो भाई लॉन्ग रन में तो कंसिडर नहीं कर सकते ना इसको, ये तो अचानक हुआ है कोई चीज़। तो इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है वो कैसा है, इरेगुलर फ्लक्चुएशन है। ठीक है, समझ में आ गए होगा आई होप कि आपको ये टाइम सीरीज़ का जो इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल जो इंट्रोडक्शन है, वो डेफिनेटली समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जो थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं उसमें आपको याद नहीं कर सकते आप इतनी सारी थ्योरी को, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तभी आप आंसर्स को लिख पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे को, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।